वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स, टारगेट ऑल राउंडर की टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे 18 से 24 अप्रैल 2022 की वीकली करंट अफेयर्स विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स। ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का पीडीएफ आप टार एजुकेशन की इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और टार एजुकेशन की वेबसाइट से विजिट करके पीडीएफ और अन्य बहुत सारे स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, प्रश्न यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। आपको पीडीएफ भी हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे, तो आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक नीचे दिया गया है। तो अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं ये वीकली करंट अफेयर्स क्लास 18 से 24 अप्रैल 2022। दोस्तों, माफी चाहता हूँ, इधर 3-4 से डेली करंट अफेयर्स क्लास हम लोग ने नहीं किया है। डेली करंट अफेयर्स क्लास को तो वो जो छूट गया है क्लास, वो हम लोग इसी क्लास में, ये जो हम लोग क्लास करने जा रहे हैं इसी में कवर कर लिया जाएगा। और कल यानी कि 25 अप्रैल 2022 मंडे को कल सुबह से हम लोग डेली करंट अफेयर क्लास अब रेगुलर फिर से शुरू कर देंगे। 3-4 रोज इधर डिस्टर्ब हुआ है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये वीकली करंट अफेयर्स क्लास। जो भी क्लास छूटे हैं वो इसी क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं। चलिए, डेली करंट अफेयर्स क्लास जिनको नहीं मालूम है मैं बता दूं, वहाँ पे हम लोग एमसीक्यूज विद ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स इस तरह से करते हैं। और एक दिन जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं, एक दिन डेली करंट अफेयर्स क्लास आप लोग अटेंड करिए करिए और पता चलेगा क्या खासियत है टार एजुकेशन का डेली करंट अफेयर्स क्लास का, खुद ब खुद पता चलेगा। वहाँ पे हम लोग डेली प्रश्न के साथ साथ, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ साथ इतने सारे फैक्ट्स और स्टैटिक्स बहुत कुछ आपको कराया जाता है, जो कि बात बात में धीरे धीरे इतने सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और एक बोझ भी महसूस नहीं होगा। जरूर विजिट कीजिए कल सुबह से डेली करंट अफेयर्स क्लास के लिए टार एजुकेशन के यूट्यूब चैनल और वेबसाइट पर। चलिए तो दोस्तों शुरू करते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कहाँ है? उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। यहीं पे भारत का पहला, पहला है तो इम्पोर्टेंट है, पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री अभी कौन है? श्री धर्मेंद्र प्रधान है, और धर्मेंद्र प्रधान ही अभी केंद्रीय शिक्षा मंत्री भी हैं, ये भी आप याद रख सकते हैं। चलिए इसमें कुछ और देख लेते हैं। भुवनेश्वर में ये भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का उद्घाटन हुआ है, तो उड़ीसा के बारे में देख लेते हैं। राजधानी इसका भुवनेश्वर है। राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 में, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और राज्यपाल गणेशी लाल हैं, ये सभी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में जारी पुस्तक द बॉय हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है राजेश तलवार के द्वारा, राजेश तलवार के द्वारा। और ये पुस्तक जो है द बॉय हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन, ये 14 अप्रैल 2022 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर प्रकाशित किया गया है। और इसमें यह पुस्तक में, इस पुस्तक में भारत के सबसे पहले कानून मंत्री कौन थे? वही थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इन्हीं के चुनौतीपूर्ण बचपन और आगे की इनकी जो जीवनी रही है भारतीय संविधान में और राष्ट्र निर्माण में जो योगदान रहा है, उसी पर प्रकाश इसमें डाला गया है। इस बार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 131वीं जयंती मनाई गई है, ये भी याद रख सकते हैं। और इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को और देहांत 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। चलिए और सभी ये फैक्ट्स हैं ये आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि डेली करंट अफेयर्स क्लास में हम लोग काफ़ी विस्तार से एक्स्ट्रा फैक्ट्स स्टैटिक्स के साथ हम लोग पढ़ते हैं, तो ज़्यादा फायदा होगा। आप लोग डेली करंट अफेयर्स क्लास में जरूर जुड़े, आपका कंपटीशन में है तो आपका लाइफ चेंज हो जाएगा, बस उसको अटेंड करिए डेली करंट अफेयर्स क्लास को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में 40वें हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया गया है? ये मुंबई में। दोस्तों जिनको इंग्लिश में इसका चाहिए वो बिल्कुल उपलब्ध है, ये पीडीएफ आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलेंगे। यहाँ मोस्टली क्वेश्चन हम लोग हिंदी में ही देख रहे हैं, जहाँ जरूरत पड़ेगा इंग्लिश भी देख सकते हैं। चलिए तो 40वें हुनर हाट का आयोजन मुंबई में किया गया है, और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के द्वारा ये 12 दिवसीय कार्यक्रम है इसका, जिसमें देश भर के कारीगरों, शिल्पकारों, पारंपरिक पाक विशेषज्ञों को रोजगार के अवसर प्रदान करता है और उनको अपनी कला का प्रदर्शन करने का मौका मिलता है। अभी केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी हैं, इसको याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहाँ भगवान हनुमान की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? ये गुजरात में, गुजरात में है एक मोरबी, मोरबी जगह है, वहीं पे मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और ये हनुमान जी की चार धाम परियोजना के तहत देश भर में चारों दिशाओं में स्थापित की जा रही चार प्रतिमाओं में से यह दूसरी प्रतिमा है। इसके अलावा दो अभी और प्रतिमाएं ऐसी लगाई जाएंगी, देखिए। और चलिए गुजरात में है ये, तो गुजरात की रही स्थापना 1 मई 1960 में, राजधानी इसका गांधीनगर है, और इसके मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं, और राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। अभी गुजरात में हाल ही में, गुजरात में क्या मतलब इंडिया में ही
इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन आए हुए थे, गुजरात में भी गए थे, दिल्ली में भी कई जगह घूमे हैं। चलिए ये सब याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किसे वनमाली राष्ट्रीय कथा सम्मान से सम्मानित करने का घोषणा किया गया है? ये गीतांजलि श्री को वनमाली सम्मान साहित्य ये से कथा सम्मान से सम्मानित करने का घोषणा हुआ है, और ये वनमाली सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ये पॉइंट याद रख सकते हैं। पहला वनमाली कथा शीर्ष सम्मान किसे दिया गया है? ये प्रोफेसर धनंजय वर्मा को। वनमाली युवा कथा सम्मान चंदन पांडे को। वनमाली साहित्य पत्रिका पत्रिका कथा देसी को। ये सभी भी एक्स्ट्रा इसमें कुछ जो है ये अलग से प्रश्न हो सकते थे, लेकिन हमने इसको संबंधित था इसी में पॉइंट में दे दिया। ये अपने आप में एक प्रश्न है, इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में जाने माने टेलीविजन और बॉलीवुड अभिनेत्री का निधन हुआ है, क्या नाम है इनका? मंजू सिंह। ये टेलीविजन प्रस्तोता और अभिनेत्री मंजू सिंह, इनका हार्ट अटैक के कारण अभी निधन हो गया है। ये इनको आप देखे होंगे, गोलमाल जैसे मूवी था वो था, और बहुत कुछ है, फिल्म होगा तो न्यूज में वैसे मुझे दिखा था, मुझे भी याद है, उनको देखा था मैंने मूवी में। ये मंजू सिंह, इनका निधन हो गया है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में कहाँ समुद्र तट महोत्सव सी पौंडी 2022 का उद्घाटन किया गया है? ये पुडुचेरी में किया गया है। वहाँ के उपराज्यपाल कौन है? डॉक्टर तमिलीसाई सौंदरराजन के द्वारा, और ये पुडुचेरी में पहली बार किया जा रहा है। और पुडुचेरी के बारे में देख लीजिए, राजधानी इसका पुडुचेरी है, और मुख्यमंत्री एन रंगा सामी है, और यहाँ पे उपराज्यपाल कौन है? तमिलीसाई सौंदरराजन, और इनको ये एडिशनल चार्ज दिया गया है। तो एक्चुअल में तमिलीसाई सौंदरराजन किस राज्य के राज्यपाल हैं? चलिए कमेंट में बताइए, आपको उम्मीद करता हूँ याद होगा। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस दिन गांधी गांधी नहीं हाथी बचाओ दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 16 अप्रैल को। वैश्विक स्तर पर हाथियों के संरक्षण सुरक्षा और उनके प्रति मानवीय विचार पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से 16 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष हाथी बचाओ दिवस मनाया जाता है। चलिए, और यह हाथी बचाओ दिवस मनाने की पहल पहली बार थाईलैंड स्थित एलिफेंट रीइंट्रोडक्शन फाउंडेशन एक उसी के द्वारा शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस दिन विश्व आवाज दिवस अर्थात वर्ल्ड वॉइस डे मनाया गया है? 16 अप्रैल को ही ये भी मनाया गया है, और ये विश्व आवाज दिवस पहली बार 16 अप्रैल 1999 को ब्राजीलियाई सोसाइटी ऑफ लैरिंगोलॉजी एंड वॉइस द्वारा ब्राजील वॉइस डे के रूप में मनाया गया था। और ये विश्व आवाज दिवस अर्थात वर्ल्ड वॉइस डे का विषय इस बार क्या है, थीम क्या है? तो ये है लिफ्ट योर वॉइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2022 का फाइनल मुकाबला किसने जीता है? तो ये तमिलनाडु ने जीता है। पुरुष वर्ग में तमिलनाडु की मौजूदा चैंपियन पंजाब को हरा कर ये जीता है, और महिला वर्ग में बात करें तो रेलवे की टीम ने तेलंगाना को हरा कर यह खिताब जीता है। दोनों पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में जाने माने क्रिकेटर हामिश बेनेट क्रिकेट मैच के सभी प्रारूपों से संन्यास का घोषणा किया है, वे किस देश के खिलाड़ी हैं? ये ऐसा पूछा जाता है प्रश्न। ये हैं जो हामिश बेनेट हैं, ये हैं न्यूजीलैंड के क्रिकेट खिलाड़ी। और चलिए क्रिकेट की बात हुई है तो हम लोग आईसीसी के बारे में देख लेते हैं। आईसीसी अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, यही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जितने भी क्रिकेट खेल होता है इसी के अंडर में, इसी के रेगुलेशन में कराया जाता है। चलिए, आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये दुबई यूएई में है। इसका स्थापना 15 जून 1909 को, और इसके चेयरमैन कौन है, अध्यक्ष कौन है? तो ग्रेग बार्कले हैं, और सीईओ जियोफ एलार्डिस हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस दिन गुड फ्राइडे दिवस मनाया गया है? तो ये 15 अप्रैल को। दुनिया भर में ईसाई समुदाय के द्वारा हर साल ईस्टर संडे से पहले शुक्रवार जो पड़ता है उसी दिन गुड फ्राइडे मनाया जाता है, और इस बार ये पड़ा है 15 अप्रैल को। प्रत्येक वर्ष इसी डेट को नहीं पड़ता, जो पर मनाया जाता है एक्चुअल कब, तो ईस्टर संडे से पहले जो शुक्रवार पड़ता है वो जिस भी तारीख को पड़ जाए उसी दिन ये गुड फ्राइडे मनाया जाता है। गुड फ्राइडे देखिए ईसाई समुदाय से संबंधित लोगों के लिए प्रमुख धार्मिक महत्व का दिन है, और यीशु मसीह के सूली पर चढ़ने और पुनरुत्थान को याद करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे कर्नाटक ब्रेन हेल्थ पहल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये बनाया गया है रोबिन उथप्पा को। जाने माने पूर्व क्रिकेटर हैं रोबिन उथप्पा, इन्हीं को कर्नाटक ब्रेन हेल्थ पहल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। कर्नाटक ब्रेन हेल्थ पहल कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा देश में अपनी तरह की पहली पहल है, जो सामान्य स्नायविक रोगों के लिए शीघ्र निदान और समय पर उपचार की सुविधा प्रदान करती है। कर्नाटक से संबंधित बातें हैं, आइए इसके बारे में देखते हैं। राजधानी बेंगलुरु है, राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 में, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हैं और राज्यपाल थावर चंद गहलोत हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस दिन विश्व होम्योफिलिया दिवस मनाया जाता है मनाया गया है? तो ये 17 अप्रैल को मनाया गया है, और ये दिन फ्रैंक स्नावेल के जन्मदिन का प्रतीक है, जो विश्व हेमोफिलिया संघ के संस्थापक थे। हीमोफिलिया
हीमोफीलिया ज़्यादातर विरासत में मिला अर्थात जेनेटिक जिसको बोलते हैं, जनरेशन से हर जनरेशन में किसी न किसी को बीमारी आते रहता है, जारी रखता है, इसी को बोलते हैं विरासत में मिली। और ये अनुवांशिक बीमारी है, वही बात हुआ, अनुवांशिक, जो रक्त के थक्के बनाने के शरीर की क्षमता को कम करता है और रक्त स्राव को रोकने के लिए आवश्यक प्रक्रिया है ये। देखिए विश्व हीमोफीलिया दिवस का विषय इस बार क्या है, तो काफ़ी लंबा है, लेकिन आपको अगर पूछा भी तो इतना पूछेगा, एक्सेस फॉर ऑल, इतना ऑप्शन में दे सकता है। वैसे आप इसको पूरा पढ़ लीजिए, एक्सेस फॉर ऑल पार्टनरशिप पॉलिसी प्रोग्रेस इंगेजिंग योर गवर्नमेंट इंटीग्रेटिंग इनहेरिटेटेड इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स इंटरनेशनल पॉलिसी, ये इसका थीम है, इतना लंबा, लेकिन इतना याद रखिएगा, एक्सेस फॉर ऑल। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने नॉर्थ इंडिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का खिताब जीता है, तो ये मनदीप सिंह ने जीता है और ये हुआ था हरियाणा के पंचकूला में 17 अप्रैल को, तो ये याद रखिएगा, मनदीप सिंह जीते हैं इसमें। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस दिन राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस मनाया गया है, तो ये 14 अप्रैल को मनाया गया है। अग्निशमन सेवा के महत्व को उजागर करने, ड्यूटी के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले अग्निशामकों, जो उसमें ऑफिसियल होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनकी श्रद्धांजलि देने के लिए 14 अप्रैल को पूरे भारत में ये राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है, सेवा दिवस। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस दिन विश्व विरासत दिवस मनाया गया है अर्थात वर्ल्ड हेरिटेज डे, तो ये 18 अप्रैल को मनाया गया है। पृथ्वी पर सांस्कृतिक विरासत विविधता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को ये विश्व विरासत या विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस प्रत्येक वर्ष यूनेस्को के पहल पर मनाया जाता है और इसका थीम इस बार क्या है, ये हेरिटेज एंड क्लाइमेट इसका थीम है, याद रखिएगा, छोटा सा है, और ये यूनेस्को के पहल पर मनाया जाता है। तो आइए यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना 16 अप्रैल 1945 को और इसका फर्स्ट सेशन 4 नवंबर 1946 को हुआ था। चलिए हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है इसका और डायरेक्टर जनरल औद्रे अजुले हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसे अगले थल सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त करने का घोषणा किया गया है, तो ये लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को अगला सेना प्रमुख बनाया जाएगा। वर्तमान में अभी कौन है, अभी मनोज मुकुंद यहाँ है, मनोज मुकुंद नरवणे हैं, इन्हीं का जगह लेंगे, जो इसी अप्रैल माह में ये सेवानिवृत्त हो जाएंगे और तब ये अपना पदभार ग्रहण करेंगे। एक और बात है, ये जो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जो अगले सेना प्रमुख बनेंगे, ये थल सेना प्रमुख पद पर नियुक्त होने वाले पहले इंजीनियर हैं, ये बात अगर डीपली कहीं पूछा जाए एग्जाम्स में तो आपको याद रहना चाहिए। आइए कुछ महत्वपूर्ण डिफेंस लेवल के पोस्ट देख लेते हैं। सीडीएस प्रमुख अभी कौन है अर्थात चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो ये पोस्ट अभी खाली है दोस्तों। भारत के सबसे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे, जनरल बिपिन रावत थे, बिपिन रावत। तो उनका एक बड़ा दुखद घटना हुआ, ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उनका 8 दिसंबर 2021 को, उसी में उनका देहांत हो गया, तब से ये पोस्ट खाली है। लेकिन ये सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एक कमेटी होता है, कमेटी, उस कमेटी के अध्यक्ष कौन है अभी, तो ये जो वर्तमान में भी आर्मी स्टाफ हैं अर्थात सेना प्रमुख हैं मनोज मुकुंद नरवणे, इन्हीं को उसका कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। और सेना प्रमुख अभी तो आज के डेट में मनोज मुकुंद नरवणे हैं, लेकिन इनके जस्ट बाद इसी माह में रिटायर होने के बाद मनोज पांडे बन जाएंगे, और इससे संबंधित ऊपर में अभी जस्ट प्रश्न हम लोगों ने देखा भी था, मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट कर दिया है कि आपको क्लियर हो जाए ये बात। चलिए चीफ ऑफ एयरफोर्स, अभी एयरफोर्स भारतीय वायुसेना प्रमुख कौन है, तो एयर मार्शल विवेक राम चौधरी हैं। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है, तो ये एडमिरल आर हरि कुमार हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कहाँ जल मार्ग सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है, ये किया गया है डिब्रूगढ़ में। नौवहन और जल मार्ग मंत्रालय तथा भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण के द्वारा असम के डिब्रूगढ़ में, असम में है डिब्रूगढ़, वहीं पे जल मार्ग सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है। अच्छा अभी नौवहन और जल मार्ग मंत्री कौन है, जहाजरानी मंत्री, तो ये श्री सर्वानंद सोनेवाल हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में जाने माने संगीतकार उड़िया संगीतकार का निधन हुआ है, क्या नाम है इनका, प्रफुल्ल कर, ये इनका नाम है, इनका 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है और ये उड़िया संगीतकार हैं, याद रखिएगा, ये सब पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं, इनको कुछ कुछ प्राइड मिला है ये। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सी भयावह उष्णकटिबंधीय तूफान के द्वारा फिलीपींस को भारी क्षति हुई है, तो ये है मेगी। ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि जैसे फिलीपींस में हाल ही में कौन सा चक्रवात या तूफान इस तरह का आया था जो भारी तबाह मचाया और चर्चा में रहा है, तो ये है मेगी। चलिए फिलीपींस की राजधानी मनीला है और मुद्रा वहाँ पे फिलीपींस पेसो चलता है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस दिन विश्व यकृत दिवस अर्थात तो वर्ल्ड लीवर डे मनाया गया है, तो ये 19 अप्रैल को मनाया गया है। इसके बारे में यकृत से संबंधित विकारों बीमारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 19 अप्रैल को
विश्व यकृत दिवस अर्थात वर्ल्ड लीवर डे मनाया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के रिपोर्ट के अनुसार लीवर की बीमारियां भारत में बीमारियों के कारण भारत में मृत्यु की देखा जाए तो ये 10वां सबसे आम कारण है मृत्यु का कारण में। चलिए WHO का ये रिपोर्ट है और इसी के पाल पर ये मनाया जाता है, तो देख लेते हैं। WHO अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इसका स्थापना 7 अप्रैल 1948 को और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड है और इसके प्रेसिडेंट टेड्रोस अधनोम है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में आयोजित सीनियर हॉकी नेशनल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है, तो ये हरियाणा ने जीता है। 12वें सीनियर हॉकी नेशनल चैंपियनशिप 2022 के फाइनल मुकाबला ने हरियाणा ने तमिलनाडु को हरा कर ये खिताब जीता है। आइए इंडियन हॉकी फेडरेशन के बारे में देख लेते हैं। देखिए हॉकी इंडिया जो इस समय है इसको पहले इंडियन हॉकी फेडरेशन के नाम से जाना जाता था। 1925 से 2008 तक इसको इसी रूप में जाना गया, लेकिन 2009 में क्या हुआ, इसको हॉकी इंडिया के नाम ने बदल दिया गया, इसको हॉकी इंडियन हॉकी फेडरेशन को। और इसका मुख्यालय तो तब से इसका इसका अगर स्थापना पूछा जाए हॉकी इंडिया तो ये 2009 माना जाता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और प्रेसिडेंट इसके ज्ञानेंद्रो निगोम्बम है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किसे परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में पुनः चुना गया है, ये कमलेश नीलकंठ व्यास को। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में कमलेश नीलकंठ का व्यास का कार्यकाल अगले 1 वर्ष के लिए पुनः बढ़ा दिया गया है। परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री भी कौन है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, इसको भी याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक को सीलेंट मॉडल बैंक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये इंडस इंड बैंक को। इंडस इंड बैंक जो है डिजिटल के रूप में और ग्राहक को अच्छी सुविधाएं देने में कई ऐसे कारण हैं जिसके लिए ये इसको सीलेंट मॉडल बैंक पुरस्कार के लिए चुना गया है और दिया गया है। बाकी ये सब पढ़ सकते हैं। इंडस इंड बैंक का स्थापना अप्रैल 1994 में, इसका मुख्यालय पुणे है और इसके MD एंड CEO सुमंत कठपलिया हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसके द्वारा दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग बनाने का घोषणा किया गया है, तो ये अपने ही देश में सीमा सड़क संगठन जो है BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसने दुनिया के सबसे ऊंची सुरंग बनाने की घोषणा किया है। ये लगभग 16,580 फीट की ऊंचाई पर सिंकुला दर्रा और है ये जो दुनिया के सबसे ऊंची सुरंग होगा और इसका निर्माण अब करेगा कर रहा है BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इसके बारे में है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसका स्थापना 7 मई 1960 में और इसके डायरेक्टर जनरल अर्थात महासचिव कौन है, महानिदेशक कौन है, तो ये लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ICG के द्वारा कौन सी राष्ट्रीय स्तर का प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास की शुरुआत की गई है, तो ये NATPOL REX 8 ये है, इसको आप ध्यान से रखिएगा, ये याद रखिएगा इसको। चलिए इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा ये इसका शुरुआत किया गया है, अभ्यास किया गया है, तो इंडियन कोस्ट गार्ड अर्थात ICG इसका स्थापना 1 फरवरी 1977 में 1977 में और ICG Day 1 फरवरी को मनाया गया है। महानिदेशक इसके BS पठानिया है, 24th क्रम के ये इसके महानिदेशक हैं, डायरेक्टर जनरल हैं और मुख्यालय इसका नई दिल्ली है, इंडियन कोस्ट गार्ड अर्थात भारतीय तटरक्षक बल। नेक्स्ट है, हाल ही में डेनिश ओपन स्विमिंग 2022 में किस भारतीय तैराक ने स्वर्ण पदक जीता है, तो ये साजन प्रकाश ने जीता है। डेनिश ओपन स्विमिंग 2022 में भारतीय तैराक साजन प्रकाश ने ये स्वर्ण पदक और वेदांत माधवन ने रजत पदक जीता है और इसका डेनिश ओपन स्विमिंग 2022 का आयोजन डेनमार्क के कोपेनहेगन में किया गया है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन ही है और मुद्रा यहाँ पे क्रोन चलता है, डेनिश क्रोन। ऑप्शन में आपको केवल क्रोन मिलेगा, डेनिश नहीं मिलेगा, नहीं तो आप पकड़ ही लेंगे उसको। चलिए हाल ही में किस नाम से दृष्टि बाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो लॉन्च किया गया है, तो ये है रेडियो अक्ष, इस रेडियो चैनल का नाम है और ये महाराष्ट्र के नागपुर में दृष्टि बाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट, पहला सब लगा है इम्पोर्टेंट है, पहला इंटरनेट रेडियो लॉन्च किया गया है, इसका नाम है रेडियो ऑक्स। चलिए और ये 24 घंटा 7 दिन इंटरनेट के माध्यम से सेवा देगा इसको इस पर। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और परोपकारी बिल्किस बानो एधी का निधन हुआ, क्या इनका संबंध किस देश से है, तो ये पाकिस्तान की है, सामाजिक कार्यकर्ता पाकिस्तान की है, परोपकारी है बहुत बड़ी, इनका नाम है बिल्किस बानो एधी, इन्हीं का निधन हो गया है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, मुद्रा वहाँ पे पाकिस्तानी रुपी चलता है और प्रधानमंत्री जो अभी है अभी तो हो गए हैं नए में शहबाज शरीफ, इसके पहले क्रिकेटर इमरान खान थे जिनको पाकिस्तान में असेंबली में सदन में वे बहुमत हासिल करने में असफल रहे जिसके कारण पद से इस्तीफा देना पड़ा और उस तरह से सदन में बहुमत के में कमी के कारण, पूरा बहुमत न मिलने कारण
प्रधानमंत्री पद से हटने वाले वे पहले प्रधानमंत्री पाकिस्तान के बन गए हैं। चलिए, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कहाँ भारत का पहला पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण किया गया है? गांधीनगर में किया गया है, गुजरात के में है गांधीनगर, और राजधानी भी है। तो देखिए, गुजरात राज्य का स्थापना 1 मई 1960 में, राजधानी इसका गांधीनगर ही है, और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं, और राज्यपाल यहाँ पे आचार्य देवव्रत हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के द्वारा वित्त वर्ष 22-23 में, 2022-23 के लिए भारत का GDP विकास दर कितने प्रतिशत का अनुमान लगाया गया है? तो ये 8.2% इसने अनुमान लगाया है। इससे पहले यही अनुमान 9% था, जो कि इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात IMF इसको घटाकर 8.2% कर दिया है। IMF अर्थात इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका स्थापना 1944 में हेडक्वार्टर USA के Washington DC में है, और इसके चेयरपर्सन क्रिस्टिलिना जियोर्जिवा है, और इसके चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? तो पियरे ओलिवियर गोरिन निछास। इसको थोड़ा आराम से पढ़िएगा, क्योंकि विदेशी नाम आराम से ही पढ़ने होते हैं। चलिए, हाल ही में जारी हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में कौन शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये साइरस पूनावाला इसमें शीर्ष स्थान हासिल किए हैं, अपने इंडिया से हैं, ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं, और ये 26 बिलियन डॉलर संपत्ति के साथ डॉक्टर साइरस एस पूनावाला जो है, तो ये पहले स्थान पर हैं हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट के सूची में 2022 वाले। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? ये डी गुकेश, तमिलनाडु के चेन्नई से ये जाने माने अपने भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं। ग्रैंड मास्टर शब्द चेस खेल से संबंधित होता है, जो विनर होते हैं, जो उसमें खेलते हैं देश का प्रतिनिधित्व करके चेस खेल को, उन्हीं को ग्रैंड मास्टर के नाम से जाना जाता है, और ये 48वां था ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट जिसे इन्होंने जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस दिन संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाया गया है? तो ये 20 अप्रैल को मनाया गया है। चीनी भाषा जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 आधिकारिक कामकाजी भाषाओं में ये चीनी भाषा भी एक है, इसी को महत्व को उजागर करने के लिए 20 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में, और हेडक्वार्टर इसका USA के न्यूयॉर्क में है, और इसके सेक्रेटरी जनरल अर्थात महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में यमन के राष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम क्या है? तो ये अब्दरा बूह मंसूर हदी, ये यमन के राष्ट्रपति हैं थे, जो कि इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। यमन की राजधानी सोनाओ है, और यहाँ पे मुद्रा यमनी रियाल चलता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शैक्षणिक गीत इरादा कर लिया है हमने ये लॉन्च किया है? तो ये किया दिल्ली सरकार ने, दिल्ली के शिक्षा विभाग ने। दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया हैं, उप मुख्यमंत्री भी वही हैं। दिल्ली के बारे में और जान लीजिए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, और इसके उप राज्यपाल अनिल बैजल हैं, और दिल्ली पुलिस कमिश्नर कौन है? दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना है, और इसके लोकायुक्त हरीश चंद्र मिश्रा हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा ऑनलाइन पुस्तकालय ई किताब कोष ये लॉन्च किया गया है? ये जम्मू कश्मीर के सरकार के द्वारा किया गया है। इसमें क्या होगा, ऑनलाइन पुस्तकालय की सुविधा कराई दी जाएगी, जो ई किताब कोष नाम से इसको लॉन्च किया गया है, और इसका लाभ उठाने के लिए www.elidraray.jk.gov पर इसका उपयोग करके लाभ उठाया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के अभी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं, और जम्मू कश्मीर की दो राजधानियां हैं, एक है जम्मू विंटर सीजन के लिए, एक है श्रीनगर समर सीजन के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसे भारत सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? ये अजय कुमार सूद को प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार में बनाया गया है। और एक और एक्स्ट्रा बात देखें तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 1999 से सन 2001 तक भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार रहे थे, जो बाद में उनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, और बाद में राष्ट्रपति के रूप में भी उन्होंने सेवा दिया है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में जाने माने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर किरोन पोलार्ड ने इस्तीफा देने का घोषणा किया है, इस्तीफा नहीं संन्यास लेने का घोषणा किया है क्रिकेट से, वे किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये हैं वेस्ट इंडीज के, वेस्ट इंडीज के जाने माने ऑलराउंडर हैं ये किरोन पोलार्ड, जरूर याद रखिएगा वेस्ट इंडीज के हैं। ICC के बारे में हम लोगों ने ऊपर देख लिया है, तो यहाँ पर रहने देता हूँ। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस दिन सिविल सेवा दिवस मनाया गया है, अर्थात सिविल सर्विस डे, ये मनाया गया है 21 अप्रैल को मनाया गया है। प्रत्येक वर्ष भारत सरकार के द्वारा ये दिवस मनाया जाता है, और भारत सरकार नागरिक अधिकारियों
के लिए नागरिकों के लिए खुद को फिर से प्रतिबद्ध करने और सार्वजनिक सेवा और कार्य उत्कृष्टता के लिए अपनी प्रतिज्ञा को नवीनीकृत करने के लिए अवसर के रूप में सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। चलिए, भारतीय सिविल सेवा के जनक किनको कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। ये जीके का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए, सिविल सेवा डे के बारे में हम लोगों ने देखा, सेवा दिवस, तो यूपीएससी के बारे में देख लेते हैं। यहीं से सभी ये बड़े बड़े रैंक के अधिकारी जाते हैं। यूपीएससी अर्थात यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और इसका स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, और इसके चेयरमैन डॉक्टर मनोज सोनी हैं। इनसे पहले कौन थे? प्रदीप कुमार जोशी थे। चलिए, नेक्स्ट है, हाल ही में किस दिन विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस मनाया गया है? तो ये 21 अप्रैल को मनाया गया है। विभिन्न पहलुओं में रचनात्मकता और नवाचार की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और 15 से 21 अप्रैल 2022 तक विश्व रचनात्मकता और नवाचार सप्ताह भी मनाया गया है। और इसका थीम क्या है इस दिवस का, इस बार विषय क्या है? तो सहयोग, ये इसका थीम है, काफी छोटा है, इसको याद रखेंगे। कोलेबरेशन इसको हिंदी में थीम था, न्यूज़पेपर्स में हमने देखा। चलिए, नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया, क्वेश्चन थोड़ा सा कहीं कहीं पे सेटअप करने में गड़बड़ हुआ दोस्तों, ये किया गया है गांधी नगर में। क्या किया गया? तो वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया गया है, और किनके द्वारा? तो मोदी जी के द्वारा किया गया है। गुजरात के बारे में हम लोगों ने ऊपर देख चुका है, आप चाहें तो रोककर इसको पुनः देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया गया है, कहाँ पे? तो जोरहाट में। जोरहाट कहाँ है? असम में है ये जोरहाट, वहीं पे भारत का पहला, देखिए पहला शब्द है तो इम्पोर्टेंट है, शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया गया है, असम में हुआ है। तो देखिए, असम राज्य का स्थापना 26 जनवरी 1950 में, पूर्ण राज्य का दर्जा इसी दिन मिला इसको, और इसका राजधानी दिसपुर है, मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा है, और इसके राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी हैं, ये सब याद रखेंगे। चलिए, हाल ही में किसे कोटे डी आइवर आइवो के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो ये है पैट्रिक अच्ची। पैट्रिक अच्ची को कोटे डी आइवर के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है। चलिए, कोटे डी आइवर, देखिए इसको एक अन्य नाम से आइवरी कोस्ट के नाम से भी जाना जाता है। आपको ऑप्शन में इस तरह से अगर आए तो कंफ्यूज ना हो पड़े, मैंने दे दिया है। तो इसका राजधानी कहाँ है? तो ये यमऊ सुको है। यहाँ पे मुद्रा पश्चिमी अफ्रीकी सी ए एफ फ्रैंक है इसका मुद्रा, इसको याद रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन। यार इसको सेटअप करने में थोड़ा सा लग रहा है गड़बड़ हुआ है, खैर ऊपर नीचे थोड़ा हो गया है। देखिए, नेक्स्ट करके, हाल ही में भारतीय नौसेना के द्वारा कौन सी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का अनावरण किया गया है? ये INS वागशीर किया गया है, इसका नाम यही है, इसको याद रखेंगे। भारतीय नौसेना के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, आप लोग इस पॉइंट को पढ़िएगा जो दोस्तों, क्योंकि ये डेली करेंट अफेयर्स क्लास नहीं है, उसमें ये सब काफ़ी डिटेल से बहुत कुछ एक्स्ट्रा इसके अलावा जो नहीं दिख रहा है उसको वो भी वहाँ बहुत कुछ बताया जाता है। ये वीकली करेंट अफेयर्स क्लास है, तो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा क्लास ना हो इसके लिए हम ये चीज़ पढ़ाया हुआ चीज़ है डेली करंट अफेयर्स क्लास में, तो यहाँ पे छोड़ते चलूंगा कहीं कहीं पे, आप इसको जरूर पढ़िएगा, और इसको ये कुछ भी ना छूटे, इसके अलावा और बहुत कुछ आपको मिले, इसके लिए आपको आना होगा डेली करंट अफेयर्स क्लास में। बस रोज सुबह में जुड़िए, आपको खुद पता चलेगा कितना खास है कार एजुकेशन का डेली करंट अफेयर्स क्लास। आइए, भारतीय नौसेना के बारे में देखते हैं, इंडियन नेवी के बारे में। इसका स्थापना 26 जनवरी 1950 में, नौसेना प्रमुख अभी कौन है? आर हरि कुमार है, और नौसेना दिवस कौन है? 4 दिसंबर है। चलिए, नेक्स्ट है, हाल ही में किस दिन विश्व पृथ्वी दिवस अर्थात वर्ल्ड अर्थ डे मनाया गया है? तो ये मनाया गया 22 अप्रैल को, और इसका थीम बस हम लोग देख लेते हैं, बाकी ये सब आप पढ़िएगा। थीम है इस बार वर्ल्ड अर्थ डे अर्थात विश्व पृथ्वी दिवस का, थीम है, विषय है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, ये हिंदी या इंग्लिश दोनों में यही होगा, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। नेक्स्ट है, हाल ही में कर्नाटक सरकार के द्वारा शिवमोगा हवाई अड्डा का नाम किस मुख्यमंत्री के नाम पर रखने का घोषणा किया गया है? ये BS येदियुरप्पा के नाम पर कर्नाटक में जो शिवमोगा हवाई अड्डा बन रहा है उसका नाम रखा जाएगा, ये घोषणा किया गया है। कर्नाटक के बारे में देख लेते हैं, देखिए कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, और इसका स्थापना राज्य का 1 नवंबर 1956 में, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हैं, और इसके राज्यपाल थावर चंद्र गहलोत हैं। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस दिन राष्ट्रीय जांच एजेंसी दिवस NIA डे मनाया जाता है? ये 21 अप्रैल को मनाया गया है, और NIA अर्थात नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस बार ये 13वां स्थापना दिवस अपना मनाया है, और राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो NIA है भारत की प्राथमिक आतंकवाद विरोधी कार्य बल है, खासकर इसी क्षेत्र में इसको लगाया जाता है ड्यूटी पर। चलिए, NIA अर्थात नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी
स्थापना इसका 2009 में, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली है और डायरेक्टर जनरल इसके महानिदेशक कौन है, कुलदीप सिंह है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किसे जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन केरेज करेज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है क्लोडीमीर जेलेंस्की, सॉरी व्लादिमीर व्लादिमीर जेलेंस्की। ये जेलेंस्की आपको याद होगा, आपको यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वर्तमान में। वहाँ पे जो मुद्दा चल रहा है, युद्ध चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच, तो इन्हीं सब में इनकी जो सोच है और जिस हिम्मत से अपने राष्ट्र को बचाने के लिए डटे हुए हैं, इन्हीं सब उपलब्धियों के लिए जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज अवार्ड से सम्मानित किया गया है व्लादिमीर जेलेंस्की को। चलिए ये सब पढ़िएगा। चलिए, यूक्रेन की राजधानी कीव है और मुद्रा यूक्रेनियन हरी राइनिया है और इसके प्रेसिडेंट वही हो गए व्लादिमीर जेलेंस्की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में कर संग्रहण के लिए सीबीडीटी और सीबीआईसी ने किस बैंक को के साथ समझौता किया है? तो ये धन लक्ष्मी बैंक है, इसके साथ सीबीडीटी और सीबीआईसी ने समझौता किया है। देखिए तो ये बात हम लोगों ने देख लिया, सीबीडीटी और सीबीआईसी, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप देख लीजिए। सीबीडीटी अर्थात सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज, इसका स्थापना 1944 में, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली है और इसके चेयरमैन जगन्नाथ विद्याधर मोहपात्रा हैं। सीबीआईसी अर्थात सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स, इसका स्थापना 1 जनवरी 1964 को और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है और चेयरमैन विवेक जौहरी हैं। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को विजडन 5 फास्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो ये रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को इसके लिए चुना गया है। इसके अलावा ये तो 5 इसमें क्रिकेटर को चुना गया है, जिसमें से 2 क्रिकेटर अपने इंडिया से हैं, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह। इसके अलावा और कौन कौन से हैं, देखिए यहाँ पे हैं न्यूजीलैंड के बल्लेबाज हैं ड्वेन कॉनवे, इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं ओली रॉबिन्सन और प्रोटियाज, महिला स्टार इनका नाम है डेन वैन नीर निकेर्क निकेर्क, ये 5वां आदमी का नाम है, इसको आप याद रख सकते हैं, खासकर अपने इंडिया से जो है इनको जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे नई वैश्विक शांति दूत 2022 के लिए चुना गया है? तो ये बबीता सिंह को चुना गया है। नई दिल्ली के संगरीला में आयोजित एशिया अफ्रीका कंसोर्टियम के सहयोग से आयोजित इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में शिक्षा, खेल, कला, संस्कृति और कूटनीति के माध्यम से शांति को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक शांति राजदूत ग्लोबल पीस एम्बेसडर, इसको इंग्लिश में बोलेंगे, तो इस रूप में किसे चुना गया है, किसे सम्मानित किया गया है? तो ये बबीता सिंह को चुना गया है। चलिए नेक्स्ट है। हाल ही में किस देश के द्वारा सैतन 2 सरमत मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि ये किस देश का है, ये रसिया का है, रूस के द्वारा है। चलिए, विश्व के सबसे शक्तिशाली मिसाइलों में से एक है ये सैतान 2, ये इंग्लिश में ऐसे लिखा हुआ था, इसका प्रोनाउंसिएशन यही होगा सैतान 2 सरमत मिसाइल। चलिए, रूस के अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? तो रूस कॉसमॉस है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट अलग से पॉइंट है। रूस के बारे में देख लीजिए, रसिया, इसका राजधानी मॉस्को है, मुद्रा यहाँ पे रशियन रूबल चलता है, प्राइम मिनिस्टर मिखाइल मिशुस्तिन है और इसके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। नेक्स्ट देखा जाए, हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के द्वारा वित्तीय समावेशन और नवाचार के लिए कौन सी पहल का शुरुआत किया गया है? तो ये है एफ इंक्लूजन, इसको देखिए इंग्लिश वाला पढ़िए ज्यादा आसान होगा, एफ इंक्लूवेशन, ये है पहल शुरू किया गया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा। ओके चलिए, और इसके बारे में देख लेते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है डाक विभाग के द्वारा भारत सरकार का 100% इक्विटी के साथ स्वामित्व वाला ये संस्था है, IPPB, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। तो ये देखिए, ये है इसका फुल फॉर्म और इसका स्थापना 2018 में किया गया और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसका टैगलाइन क्या है, आपका बैंक आपके द्वार, और इसके चेयरमैन कौन है, तो वो है प्रदीप कुमार बिश्नोई और इसके MD एंड CEO जे वेंकट रमू है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो गया दोस्तों प्रश्न, यहाँ पे टोटल 55 प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट जो था मैंने चुनकर उसमें से किया था, डेली करंट अफेयर्स एक सप्ताह का तो ये था। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोग को बिल्कुल पसंद आए होंगे, आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और अब समय आ गया है जो कुछ सेकंड्स अपना देकर इस सेशन को और अन्य जो भी सेशन है उसको आप शेयर करके चार एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं, एक महत्वपूर्ण सूचना और दूंगा मैं दोस्तों, कुछ सेकंड रुकिए, और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकन भी साथ में दबा दें। दोस्तों टॉपिक वाइज क्लास हम लोगों ने चार एजुकेशन पर काफ़ी महत्वपूर्ण, जैसे न्यू जितने अपॉइंटमेंट हो गए, न्यू अपॉइंटमेंट हो गए, जितने महत्वपूर्ण अवार्ड्स हो गए, अवार्ड्स में भी नेशनल इंटरनेशनल क्रिकेट स्पोर्ट्स अवार्ड्स हो गए, डेज एंड थीम्स हो गए,
ये सब बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक वाइज क्लास हम लोग ने कराया है और अभी कराया जा रहा है। खास बात ये है कि ये जनवरी 2021 से लेकर और ये मार्च अप्रैल 2022 तक इसमें कवर किया गया है। इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न नहीं आएंगे, ये पूरा मैं विश्वास दिलाता हूँ। जरूर इन सभी क्लासेज को देखिए और सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और अन्य दोस्तों और एजुकेशनल ग्रुप जितने आपके पास वहाँ शेयर भी जरूर करें। और टायर एजुकेशन का इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, इसका भी लिंक नीचे दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।